दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट, वर्क ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट विथ एग्जांपल, व्हाट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट, वर्क ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ एग्जांपल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ एग्जांपल। व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। In a C language, break statement is the keyword. The break statement is used to terminate the execution of the nearest enclosing loop in which it appears. The break statement is used to break the loop before the completion of the loop. The break statement is widely used with for loop, while loop, and do while loop. Work of break statement with example, इसको देखते हैं। एक प्रोग्राम के थ्रू सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। वर्ड मेन इंटीजर आई लिए हैं, आई इज इक्वल टू 0 एंड वाइल लूप अप्लाई किए हैं, आई इज लेसर देन इक्वल टू 10। इफ आई इक्वल टू 5 देन ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई किए हैं, अदरवाइज प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट जो है आई को प्रिंट कर रहा है एंड आई प्लस प्लस। इस प्रोग्राम में अगर हम लोग देखें आई जो है ये व्हेन इट इज इक्वल टू 5, जब ये 5 हो जाएगा तो ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा। ओके, तो आई जो है आई 0 के लिए कंडीशन ट्रू है, यानी 0 ये प्रिंट करेगा। आई इंक्रीमेंट होगा 1 को ये प्रिंट करेगा, 2 को भी ये प्रिंट करेगा क्योंकि 2 के लिए कंडीशन ट्रू है, 3 को भी ये प्रिंट करेगा बिकॉज 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, एंड 4 को प्रिंट करेगा बिकॉज 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू है। लेकिन जो ही ये 5 इनकाउंटर होगा, ब्रेक स्टेटमेंट जो है इस लूप से बाहर आ जाएगा, यानी कि अब ये कंट्रोल वाइल के बॉडी के बाहर आ जाएगा। यानी हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 0, 1, 2, 3, 4 ही मिलेगा। क्लियर है? व्हाट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट? लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट, द कंटिन्यू इज द कीवर्ड। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन ओनली अपीयर इन द बॉडी ऑफ लूप। व्हेन द कंपाइलर इनकाउंटर्स ए कंटिन्यू स्टेटमेंट, देन द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द लूप आर स्किप्ड एंड द कंट्रोल इज अनकंडीशनली ट्रांसफर्ड टू द लूप कंटिन्यूएशन पोर्शन। समझते हैं इसको भी द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। वर्ड मेन आई एक वेरिएबल लिए हैं, फोर लूप अप्लाई किए हैं, फोर लूप जो है आई से 0, आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हुआ है एंड आई इज लेसर देन इक्वल टू 10 है, आई प्लस प्लस। इफ आई इक्वल टू 5 कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज प्रिंट हम कर रहे हैं आई को। इसमें होगा क्या, 0 के लिए कंडीशन ये ट्रू है, 0 के लिए कंडीशन जो है ये ट्रू होगा, 0 प्रिंट करेगा। 1 के लिए कंडीशन ट्रू होगा, 0 के लिए कंडीशन ट्रू होगा प्रिंट होगा, 1 के लिए कंडीशन ट्रू होगा प्रिंट होगा, 2 के लिए कंडीशन ट्रू होगा प्रिंट होगा, 3 के लिए कंडीशन ट्रू होगा प्रिंट होगा, ओके, 4 के लिए कंडीशन ट्रू होगा प्रिंट होगा। लेकिन जो ही आई इक्वल टू 5 होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, यहां से सीधे फिर यहां ये लूप में वापस चला जाएगा और आई प्रिंट नहीं होगा। फिर होगा क्या, 5 प्रिंट नहीं हो रहा है, 6 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, 9 होगा, 9 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 10 भी कंडीशन ट्रू है। तो हमें ये देखना है कि आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज 5 जब भी जैसे ही मिल रहा है कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये लूप के पास चला जा रहा है। ओके, क्लियर है? क्लियर। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं कोड ब्लॉक में इसे इंप्लीमेंट करके। यहाँ जो दिख रहा है ये मेन फंक्शन जो है मैंने लिखा है, इंट आई आई इक्वल टू 0 एंड प्रिंट एफ न्यू लाइन, ये डिस्प्ले करने के लिए मैंने लिखा है कि आउटपुट हमें दिखेगा और बेहतरीन तरीके से दिखेगा।
वाइल लूप चलाया है मैंने, आई वाइल में जो है कंडीशन मैंने फॉलो किया है, आई इज लेसर देन इक्वल टू 10 एंड व्हेन आई इज 5, जब आई 5 होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा, ओके okay? और आई को हम जो है ये प्रिंट कर रहे हैं परसेंटेज डी एंड आई इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। तो इसमें आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, हम लोग देखते हैं, इसे रन करके देखते हैं। देखिए हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो 0, 1, 2, 3, 4 ही हमें मिल रहा है, क्लियर है, 0, 1, 2, 3, 4 ही हमें मिल रहा है। ये ब्रेक स्टेटमेंट में ये इस तरह से, क्योंकि आई जब 5 हुआ है तो 5 में ये ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद ये वाइल लूप से बाहर निकला है, इसीलिए ये 0, 1, 2, 3, 4 तक ही प्रिंट किया है। चलिए आप समझते हैं हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस प्रोग्राम के थ्रू। देखिए यहाँ पर आई जो मैंने लिया है इंटीजर टाइप का, फॉर लूप मैंने चलाया है, आई जो है ये 0 से स्टार्ट हुआ है और ये लेसर देन इक्वल टू 10 तक गया है और आई को इंक्रीज कर रहे हैं हम। आई जब 5 होगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा और आई जो है ये डिस्प्ले हो रहा है, टैब जो है वो 4 स्पेस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ हमें आउटपुट जो मिल रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमें नहीं मिल रहा है, ओके 6, 7, 8, 9, 10 ये हमें आउटपुट दिख रहा है, क्लियर है। ये जो आउटपुट दिख रहा है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमें नहीं दिख रहा है, ये क्लियर है। अब जो है इस बात को हमें समझना है कि जब कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर हुआ है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जब आया है तो ये 5 जब आई जो है ये 5 के बराबर आया है तब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये सीधे लूप में चला गया है और ये जो है ये बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया है, 5 को एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, थैंक यू।